स्वागत है आपका ई न्यूज एमपी में। मैं आपके साथ अंशिता। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विगत 3 दिनों से लापता युवक की लाश गांव भगवार के बाण सागर नहर में कल शुक्रवार को मिली है। नहर में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और बवाल बढ़ता देख गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय साकेत उम्र लगभग 28 वर्ष जो कि ग्राम कपूरी का रहने वाला था, वह पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसकी वजह से लोग नाराज थे। शुक्रवार के दिन उसी शख्स की लाश भगवार के नहर में मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए NH 39 मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में लाठी और डंडे लिए एकत्रित हुए और लोगों का आवागमन बंद कर दिया। पूरे मामले में SDM रामपुर नौकीन तहसीलदार चुरहट द्वारा परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत किया गया। NCL बीना परियोजना के खदान में बीती रात 100 टन क्षमता वाले होलपैक डंपर में अचानक आग लगने से खदान में हड़कंप मच गया है। आग लगे डंपर में ऑपरेटर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं डंपर में लगी आग से NCL को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारों के अनुसार NCL परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को दरकिनारा कर कार्य कराया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि NCL के खदानों में घटना दर घटना होती जा रही है। बहरी पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार पर कार्यवाही करते हुए 2 अपराधियों से नशीला पाउडर स्मैक बरामद किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र दीक्षित व संजय दीक्षित के पास से 20 ग्राम स्मैक कीमत 60,000 रुपए की व एक स्कूटी हीरो एक्टिवा जिसकी कीमत 50,000 रुपए है जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना बहरी में अपराध NDPS का कायम किया जाकर वैधानिक कार्यवाही पश्चात दोनों अपराधियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दोनों आरोपी पहले भी NDPS के अपराध में जेल जा चुके हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।